जुगाड़ की नाव से ग्रामीणों को मिलेगा छुटकारा। गोई नदी को पार करने के लिए अब जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिवराज सरकार ने नकटी रानी पुलिया निर्माण की मंजूरी देते हुए पुलिया के निर्माण हेतु डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व मंत्री इंतर सिंह आर्य ने अपने अथक प्रयासों से पुलिया की प्रशासकीय मंजूरी दिलवाई है, जिस पर ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री के निवास पर जाकर स्वागत कर आभार व्यक्त किया। खबर सेंधवा से। सेंधवा से करीबन 6 किलोमीटर दूर सेंधवा पिसनावल मार्ग के बीच नकटी रानी गोई नदी पर पुलिया निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही थी। नदी को पार कर जाने में ग्रामीणों को अथाह प्रयास करना पड़ते थे। जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार करना पड़ती थी। कई बार गंभीर मरीजों को ले जाना बहुत मुश्किल होता था, साथ ही जान का जोखिम बना रहता सो अलग। इसको लेकर पूर्व में जल सत्याग्रह भी हुआ था। तब से लगाकर अब तक मंत्री आर्य द्वारा लगातार मुख्यमंत्री को उक्त मांग के लिए बार बार पत्र व्यवहार किया जाता रहा था। पिछले दिनों चाचरिया में पैसा एक्ट के तहत मुख्यमंत्री चौहान द्वारा इस मांग को स्वीकृति दी गई थी, जिसे अब प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई। अब जल्द ही प्रक्रिया पूरी होते पुलिया के निर्माण हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों की वर्षों से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री आर्य निवास पर पहुंचकर इस कार्य के लिए आर्य का स्वागत कर आभार प्रदर्शन किया, जिस पर मंत्री आर्य ने आगामी अन्य मांगों के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या कहा आर्य ने। महोदय, नकटी रानी के एक ब्रिज की स्वीकृति मिली है, क्या कहेंगे? ऐसा कि पिसनावल झोपाली से लगाकर सेंधवा लोग सीधे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बैराज बनने के कारण मतलब ये समस्या हुई है, और कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने वहाँ पे धरना जमाने भर का कर चुके हैं, क्योंकि हमने इस पुलिया को बनाने के लिए पहले से ही प्लान किया था कि ये मंडी निधि से इसको बनाया जाए, परंतु मंडी निधि का पैसा अन्य विभागों को ट्रांसफ़र होने के बाद में और वो मतलब योजना बंद हो गई थी। हमने सोचा कि भाई इस रोड इस पुलिया को कैसे बनाएं, फिर हमने ये निर्णय लिया कि भाई कि इसको ये जो जैव झीरी से लगाकर गोई तक का जो नकटी रानी तक का जो रोड जो बना है वो मंडी निधि से बना था। इसको हमने भोपाल जाके इनके अधिकारियों से मिलके विभाग के मंत्री से मिलके ये निर्णय लिया कि भाई कि ये जो रोड है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए प्रधानमंत्री में। अब हमने हमारी जो कार्रवाई कंप्लीट हुई है, और जो दो स्टेज में इसकी स्वीकृति मिलती है, पहले मतलब साध्यता की होती है जिसको बोलते हैं डीपीआर बनाना। ये मेरे पास डीपीआर बनाने के जो आदेश हुए हैं इंदौर से, वहाँ प्रबंधन जी ने उनका आदेश ये निकल चुका है। अब इसकी जो न्यू है मतलब उसको बोरिंग करेंगे, टेस्टिंग होगा मतलब कि यहाँ पर मतलब कितने नीचे तक पत्थर है या मिट्टी है, और ये फाइनल है ये समझ लो कि डीपीआर बनाने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर ये सब काम हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये बनेगा, क्योंकि वास्तव में बहुत इस दो चार गांवों की बहुत गंभीर समस्या थी। बेचारे जो वहाँ से निकलते थे ट्यूब टायर के ऊपर टट्टा रखकर मतलब उसके ऊपर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और लोग, जो कि कभी भी भविष्य में कुछ खतरा हो सकता था, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जी जान लगाई कि भाई कि ये किसी भी हालत से होना चाहिए। ये सपना था मेरा, ये आज मतलब पूरा हो गया है। और यहाँ पर जो ये लोग आए हैं, मैं कोलकी था फोन। मेरा नाम रमेश राठौड़ है। राठौड़ जी, नकटी रानी ब्रिज की स्वीकृति मिली है, क्या जी? ये हम बहुत बहुत अंतर सिंह दादा का आभार मानते हैं कि हमको जो 16 किलोमीटर घूम करके आने की समस्या से निजात दिलवा दी, जान जोखिम में डाल करके हम वो टट्टे के ऊपर मोटरसाइकिल रख करके और निकलते थे, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी। कितने समय से मांग थी आपकी? ये तो लगभग हम 7-8 साल से हमारी मांग थी, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। फिर भी न रहते हुए भी, विधायक न रहते हुए भी, अंतर सिंह दादा ने पूरी जी जान से कोशिश करी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। क्या फायदा होगा आपको? हमको जो 16-17 किलोमीटर घूम करके पिसनावल वालों को आना पड़ता था,
वो अब मात्र 7.5-8 किलोमीटर में हम सेंधवा आ जाएंगे।